Hello, guys, what's up? Kya hal chal? This is CN Nikunz your tax mentor, and I hope you are doing great. Your exams are around the corner, and you must be tensed. विथ रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन पेपर की सर कौन सा चैप्टर्स तो करके जाए कौन सा चैप्टर्स छोड़ के जाए अपने तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है सबसे पहले मैं बोलूंगा प्रोफेशनल स्टडीज है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन से कोई भी चैप्टर छोड़ के मत जाना यू नेवर नो आपको एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक आपको बहुत ही बड़ा डिस्क्लेमर दे देता हूं देखिए हम सारे टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए आपको वो टॉपिक्स बताए जो आप बिल्कुल छोड़ के मत जाओ जहां से आप मिनिमम पासिंग मार्क्स कम से कम इजिली सिक्योर कर पाओ बट देखिए कहीं ना कहीं ये जो भी है इंस्टीट्यूट के ऊपर है कि इंस्टीट्यूट कौन से टर्म में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा वो इंस्टीट्यूट ही जानता है खुद एग्जामिनर ही जानते हैं वो किस तरह के पेपर्स सेट करेंगे सो आई डोंट थिंक दैट यू शुड डोंक्यूलेट बीइंग अ स्टूडेंट कि सर ये चैप्टर छोड़ के जाएंगे ये चैप्टर करके जाएंगे छोड़ना कुछ नहीं है आपको कवर अब करके जाना चाहिए ये भले ही हो सकता है कि कोई चैप्टर आपको बहुत अच्छे से किया है बट कोई चैप्टर आपका थोड़ा सा कम अच्छे से किया है बट ये कभी अच्छा ऐसा मत करना गाइस दैट You have left the entire chapter because कभी कभार ऐसा होता है कि जो चैप्टर अपने छोड़ के जाते हैं वहां से बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं और जो चैप्टर करके जाते हैं बहुत अच्छे से करके जाते हैं और वहां से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं सो आई थिंक दैट एज अ स्टूडेंट यू शुड डेफिनेटली फोकस ऑन कवरिंग ऑल द टॉपिक्स बट एट द सेम टाइम यू शुड यूज योर स्मार्टनेस एंड दीडियोज वी आर मेकिंग फॉर ऑल ऑफ यू दैट वॉट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स च यू शुड डेफिनेटली नेवर मिस एंड यू शुड डू इट वेरी नाइसली बिकॉज दैट कैरीज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेटेज इन योर एग्जामिनेशन गिव इन द ट्रेंड एनालिसिस तो चलिए मेरा नाम है निकुंज गोइंग का यूर टैक्स मेंटर एंड आई होप दैट यू नो दैट आई टीच टू ऑल माई सी एस सी एस सी एम ए स्टूडेंट ऑल इंडिया इंटरमीडिएट एज फाइनल फॉर इनकम टैक्स एंड जीएसटी राइट गाइस आई डी टी सो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को जहां पर हमने डिस्कस करने वाले हैं सी एम ए इंटरमीडिएट का इस बार कमिंग टर्म में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है सर डायरेक्ट टैक्स को लेकर आईडीटी का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया आई होप आपने देख लिया नहीं देखा तो फटाफट फड़ जाके देख लीजिए डायरेक्ट टैक्स में मैं आपको बताने वाला हूं छोटे से वीडियो में जहां पर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्पेशली जो बच्चे अभी क्लासेस ले रहे हैं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कम टाइम उनके पास बचा है तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अगर इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बेटर होगा बिकॉज देखिए पूरा सिलेबस कवर करना आपके लिए अकॉर्डिंगली दोनों ग्रुप अगर आप दे रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है बट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है बट आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा तब जाके आप सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे तो गाइज जो चैप्टर्स मैं आपको बोल रहा हूं ये चैप्टर्स एक्चुअली देखा गया है कि पास्ट ट्रेंड्स में दीज अ लॉट ऑफ वेटेज एंड इंस्टीट्यूट नेवर मिस एनी चांस टू सेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर टू वेरी वेरी हाई सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैंने क्या किया है तीन कैटेगरीज uh, बनाया कैटेगरी ए बी एन सी ए बी सी एनालिसिस कैटेगरी ए में आपको फाइव टॉपिक्स पढ़ के जाना है पढ़ के जाना मतलब एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए फाइव टॉपिक्स से आप मिस आउट नहीं कर सकते इनकम फ्रॉम सैलरीज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स डी एस टी सी एस रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोपल इनकम एज वेल एस पीजीपी ये पांच चैप्टर इनकम टैक्स का जान है गाइज ये फाइव चैप्टर्स आप कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सर अगर आप ये पांच चैप्टर अच्छे से करके जाए तो मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि आपका फोर्टी 40 मार्क्स खाली 40 मार्क्स का पेपर 40 से 50 मार्क्स का पेपर इन पांच चैप्टर से आपका आने का पूरा पूरा चांसेस है 40 मैं बोलूंगा क्योंकि ओल्ड सिलेबस के लिए 100 मार्क्स का पेपर है और न्यू सिलेबस में 50 मार्क्स का पेपर है तो 40 परसेंट फोर्टी से 50 परसेंट पेपर जो है वो आपका इस फाइव चैप्टर से आने का पूरा चांसेस है जहां पे सैलरी का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा वेर यूल टू कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी वहां पर आप सैलरी इनकम कंप्यूट करना दे, देखेंगे कैपिटल गेन्स अगेन वन direct question from capital gains where you will be given consideration capital asset cost of acquisition you need to determine cap gains one question will be from tds tcs that you need to examine the tds implications tcs implications the rate the threshold limit whether it is deductible or collectible one question you will get mixture of residential status and scope of total income where you need to determine the residential status of that person and based on his status you need to determine the scope of the income that is income accrued in india received in india indian sourced income for sourced income any very very important is pgbp this comes generally a part of total income up total income jayega where a majority portion will come from pgbp that is profit and gains from business or profession where you need to add certain expenses to your net profits which are not allowed as reductions and you need to reduce some incomes which are credited to pl which are not taxable under income tax या फिर टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स तो ये पांच चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है फाइव चैप्टर्स विल कैरी अ लॉट ऑफ वेटेज एंड इफ यू डू इट वेरी नाइसली फ्रॉम डे वन इट जब आप रिवीजन करोगे तो उसको ज्यादा बार रिवीजन करना सो so दैट आपको ज्यादा वेटेज पता चले कैटेगरी बी में हमारा जो नेक्स्ट फाइव चैप्टर्स है मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कैटेगरी बी को छोड़ के जाओगे ऑब्वियसली छोड़ के कुछ नहीं जाना बट एक होता है ना अपने माइंड में एक ऑर्डर सेट रहता है ना तो बढ़िया रहता है कि सर ये मेरे पास अगर मान लो दो घंटा है तो उस दो घंटा को मेरे को पहले कैटेगरी ए को देना है कैटेगरी ओवर हो जाएगा तो मैं कैटेगरी बी को दूंगा यू विल नॉट टेक मच टाइम बट इंस्टीट्यूट का ये अमंग्स दिस्ट है हाउस प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है

रिबेट ऑफ टैक्स डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन के लिए क्या क्या टैक्स रेट है ओल्ड टैक्स रेजीम न्यू टैक्स रेजीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है यहाँ पे मैं ओल्ड वर्सेस न्यू पे ज्यादा स्ट्रेस देना चाहूंगा कि आपको एग्जैक्टली exactly पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिडक्शन एग्जाम में नहीं मिलते यानी कि वेन आई टॉक अबाउट बी ए सी आई ऑल्सो मीन वन वन फाइव डी बी डबलो मीन वन वन फाइव बी ए बी आई ऑल्सो मीन वन वन फाइव बी ए डी ये सब रेट, जो ऑप्शनल टैक्स रेट्स है इसका मैं बात कर रहा हूं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से पढ़ के जाना टैक्स रेट्स देन आपका सेट ऑफ एंड कैरी

आप करके जाएंगे तो आई थिंक दैट यू आर यूल डीसेंट जॉब इन यूर एग्जामिनेशन इन कैटेगरी बी अब आता है लास्ट में कैटेगरी सी में ये नहीं बोल रहा कि ये चैप्टर को आपको नहीं करना है या फिर छोड़ के जाना है ये आपको ए बी के बाद कवर करना है रिविजन ऑफ दीज टॉपिक्स विल स्टार्ट फ्रॉम ए बी क्लबिंग गाइज

डक्शन आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा इतने सारे सेक्शन है टैक्स रेट्स भी आप बहुत बार कंफ्यूज हो सकते हैं सेट ऑफ में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा लॉस किसके साथ आप इनकम सेट ऑफ करेंगे तो ये सब चैप्टर्स आपके लिए थोड़ा रेलिवेंट है और ये आपको थोड़ा सा और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए ठीक है नेक्स्ट एडवांस टैक्स क्वार्टरली एडवांस टैक्स पे होता है इसमें इंटरेस्ट भी कवर हो जाएगा टू थर्टी फोर ए टू बी टू सी इनका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए तो जब आप एडवांस टैक्स पढ़ेंगे तो आपको इसका भी रिविजन करना पड़ेगा और लास्ट में हमारा आता है सिंपल चैप्टर

इस चीज को फॉलो करेंगे तो आई थिंक सो कि जो डायरेक्ट टैक्स आपको डिफिकल्ट करने डिफिकल्ट लग रहा था अब वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा और आप मार्क्स भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो मेरा पर्पस ऑफ दिस वीडियो वाज़ नॉट टू कट शॉर्ट वाज़ नॉट टू कट शॉर्ट ये कर लो ये कर लो बस बहुत सफिशियंट है बट टू मेक इट अ स्ट्रेटेजिक A strategic video where you have been guided key what is the order. What is the order of priority which you should consider when you are revising the topics at your home. DT being a vast subject, it is very, very difficult to cover in a limited period of time. But if फ यू आर गाइडेड कि सर हमें कौन से चैप्टर पहले कवर कर रहे हैं और उस चैप्टर्स के हिसाब से अगर आप कवर करते हो ना तो एट दी एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि कोई भी क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप उसका मेजोरिटी क्वेश्चन कर पाएंगे क्योंकि आपने उसका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले से करके रखा है ठीक है ना अब गाइज आप मेरे को मत बोलने लग जाना सर आप तो बोले थे रिटर्न ऑफ इनकम पैन कैटेगरी सी में बट वो तो दस नंबर का आ गया तो मैंने पहले बोल दिया था ट्रेंड कैन भी चेंज मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप चैप्टर छोड़ के जाइए मैं आपको बोल रहा हूँ चैप्टर सारा कवर करिए ऑर्डर वे आई हैव टोल्ड यू गाइज आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है तो जरूर जरूर शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स तक टेलीग्राम ग्रुप में और सबको अपने शेयर करो सो so दैट उनको भी हमारे फैमिली का पार्ट बनाओ बिकॉज यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव टैक्स कंटेंट मिलता है डायरेक्ट टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स का फॉर इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स काइस ठीक है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगले अगले सेशन में मिले, मिलेंगे जहाँ पे मैं आपके लिए रिवीजन स्ट्रेटजी लेकर आने वाला हूं जहां पे आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा कि अब से लेकर एग्जामिनेशन तक आपको कैसे प्रिपेयर करना है अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो आपको किस तरीके से अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए वॉट वेन वेन यू शुड स्टडी टी एन आई डी टी बटिल देन आपको अगर कुछ हमारे एंड से कुछ चाहिए कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए तो जरूर कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करके कर, कर बताना विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस ठीक है थैंक यू सो मच टेक केयर गॉड ब्लेस यू एंड आई होप दैट योर स्टडीज आर गोइंग एप्सल्यूटली फेंटास्टिक जो स्टूडेंट्स जून ट्वेंटी फोर में दे रहे भाई आपके लिए सूचना हमारे यहाँ पर सारे एडमिशंस ऑन है फुल फ्रेजेड डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट निकुंज गोइंका में डॉट कॉम में जाके आप हमारा जो क्लासेस है वो ले सकते हो ठीक है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट निकुंज